सांगली की इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर स्मृति मानधना के बाद अब किर्लोस्कर वाडी के किर्लोस्कर हाई स्कूल की छात्रा स्नेहल विजय पाटिल ने सॉफ्ट बॉल खेल में अपना कदम जमाया है। अब अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाले वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में स्नेहल का सिलेक्शन हुआ है। मेरी पाठशाला की छात्रा स्नेहल विजय पटोए, बचपन से ही उसको खेलने का मन करता था। मैंने उसको पाठशाला में देखा तो इतनी सुंदर ऐसी खेलती थी, मैंने सोचा कि चलो इसके हमारे जो ओलंपिक में अभी इंक्लूड हुआ है सॉफ्टबॉल में उसको दाखिल करें। सुंदर ऐसे वो ढंग से खेलने लगे, पहले जिला स्तरीय, विभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय भी उसने अभी तक बाजी मारी है। और इसी तरह से उसने आज हमारे भारत देश का नाम उसने रोशन करने के लिए आज इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है। मुझे गर्व है ये जो किर्लोस्कर हाई स्कूल एक छात्र जो हमारे पाठशाला के सभी मेरे गुरुजन, मेरे सब जितने भी मेरे जो सहभागी है उन्होंने का योगदान दिया है और इसी तरह से आज अपना जो भारत देश का नाम रोशन करने के लिए आज ये सॉफ्टबॉल खेलने जा रही है। और इसी तरह से इसको जो हमारे सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी प्रदीप तवेकर, प्रशांत जी जगताप सर, हमारे मित्र किशोर चौधरी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अनिल सोनमुल का उनका सहयोग रहा है। उसी तरह से सांगली जिला सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के सभी मेरे सदस्य मंगेश हो, संतोष हो और सभी ने इसका योगदान दिया है, नितिन सिंह मेरे हो और सभी ने ही उसका आज इस स्तर पर लाने के लिए बहुत कोशिश की है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने आज इस छोटी सी बच्ची को आज अपने देश का नाम रोशन करने के लिए आज यहाँ तक भेजा है। और यह खेलते खेलते आज इसका एक आगे चलकर उसको लगता है कि इसी तरह से हमारे ग्रामीण भाग के खिलाड़ी खेले और हमारे भाग का रोशन हो जाए नाम, यही आज का उसका जो अनुरोध हमेशा सफल रहे इसकी